दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी विधायकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर की चिट्ठी सौंपी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में पूर्ण राज्य के मसले को रखा और चुनाव के बाद भूल गए। मुख्यमंत्री निवास से आम आदमी पार्टी के विधायक कुछ इस अंदाज में चिट्ठियों के बंडल लेकर पीएमओ के लिए निकले। किसी ने सिर पर बंडल को रखा तो किसी ने कंधे पर, किसी ने हाथों में उठाया। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर नारे लगाए। दावा किया जा रहा है कि विधायकों के हाथ इन बंडलों में दिल्ली के 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठियाँ हैं, जिसमें लोगों ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की आम आदमी पार्टी सरकार की मांग का समर्थन किया है। लोगों का समर्थन, आपने कहा कि लोगों को तो काम से मतलब है, तो ये काम कराने के लिए ही तो पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है। क्योंकि पूर्ण राज्य होगा तो ये जितनी अड़चन डाली जा रही है, जितनी भी अड़चन है ये दूर होंगी और जनता के काम होंगे। जब हमने सब लोगों से ये सिग्नेचर कराए हैं तो मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला पूरे उसमें दिल्ली में कि जिसको पूर्ण राज्य नहीं चाहिए। तो पूर्ण राज्य का दर्जा उन्हीं लोगों के काम कराने के लिए हम मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास से चिट्ठियों को गाड़ी में भरकर विधायक प्रधानमंत्री दफ्तर के लिए निकले। हालांकि उन्हें संसद मार्ग पर ही रोक लिया गया, जहां से 5 प्रतिनिधियों को चिट्ठियों को पीएम दफ्तर पहुंचाने की इजाजत दी गई। तो हम सीपीएम को गुहार कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाए, 239A में अमेंड लाए और इसको पूरा राज्य का दर्जा दें, तो ये पार्लियामेंट का अधिकार है। इसलिए हम पीएम को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए जनता के 10 लाख लोगों से ज्यादा के सिग्नेचर्स हमने ये बात के लिए इकट्ठे किए हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिससे दिल्ली का और ज्यादा विकास हो। बीते 3.5 साल में अधिकारी और एलजी से टकराव के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने पूर्ण राज्य के मसले को गरमाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी इस मसले पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा भी बुलाई और पूरी दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चलाने का ऐलान किया। पार्टी नेता गोपाल राय के मुताबिक 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर का काम 15 अगस्त तक पूरा कर लिया गया था। राष्ट्रीय शोक की वजह से 17 अगस्त पीएम से मिलने पार्टी के नेता नहीं जा सके, लिहाजा अब 27 अगस्त को प्रधानमंत्री को चिट्ठी सौंपने का फैसला किया गया है। दिल्ली के अंदर ये पूर्ण राज्य का अभियान चल रहा है, जिसमें 3 तारीख से हमने दिल्ली के 10 लाख से ज्यादा लोगों तक हमने पहुंचकर उनका समर्थन किया और आज उनका पत्र हम प्रधानमंत्री जी को सौंपने जा रहे हैं कि जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, आपने 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, आपको निभा दीजिए। मुझे इस बात का भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी जनता की आवाज को सुनेंगे। दिल्ली के 10 लाख लोग आज दिल्ली में जहां भी लोग गए हैं, लोग इसके पक्ष में, चाहे भाजपा का ही कार्यकर्ता क्यों न हो, तो दिल्ली को पूरा हक मिलना चाहिए। हालांकि जिस संविधान पीठ के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और सरकार केंद्र से सीधे दो दो हाथ की तैयारी में है, उसी संविधान पीठ ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से इनकार भी किया है। पर मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी की नज़र दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर है, लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी इसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। पर ये देखना दिलचस्प होगा कि पूर्ण राज्य का ये मुद्दा विरोधियों के लिए घातक होता है या आपके लिए आत्मघाती। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।